Hey guys, welcome back to my new blog. तो आज के ब्लॉग में आप सभी को नमस्ते है, नमस्कार है। तो फिलहाल मैं आपके लिए मिट्टी का स्नेक बनाने वाला था, बट वो आधा से बेसी बन भी गया था, लेकिन वो टूट गया था। आपको मैं दिखा देता हूँ। एंड सुबह का बज रहे हैं अभी 10:30। तो खाना पीना बन गया था, खाना पीना खा भी लिए हैं। एंड अभी फिलहाल इधर नंदनी अभी बर्तन धोई है और खाना उना बना भी ली है, खाना उना खा भी लिया हूँ मैं, और ये अभी तक नहीं खाई है और ये बर्तन धो ली है। आप ये बोल रही है हाँ कपड़ा धोऊंगी, पहले तो मैं बोलता हूँ खाना खा लो उसके बाद जाके कपड़ा धोना। तो अभी फिलहाल मैं अभी आउटलाइन बना रहा हूँ, जो एक बड़ा चार्ट पेपर लाया था उस चार्ट पेपर पर मैं आउटलाइन बनाऊंगा, उसके बाद फिर स्केच बनाऊंगा। बट अभी आउटलाइन बना रहा हूँ, अभी नहीं बोलूँगा, आपको वीडियो में यानी कि पता चल ही जाएगा मैं किसका स्केच बनाऊंगा। फिलहाल अभी दिखा देता हूँ, ये रहा बड़ा चार्ट पेपर जो कि 3 इंच का ग्राफ खींचा गया है। वैसे ये बहुत बड़ा है, इसे हम फोल्ड कर दिए हैं क्योंकि हमें इतना छोटा सा जगह बैठने में, इस पर बैठकर हमें ग्राफ खींचने में काफ़ी दिक्कत होता था, तो इसे हमने इसे फोल्ड करके छोटा कर दिया। तो आपको दिखाते हैं जो मैंने मिट्टी का बनाने का प्रयास किया था स्नैक, पहले आप वो देखें फिर ब्लॉक को आगे बढ़ाएंगे। गाइज हम ग्राफ बना दिए थे एंड अब हम आउटलाइन बना रहे हैं, और आउटलाइन जो बना रहे हैं संतरामपाल जी महाराज का है, जिन्होंने उनका शीश जो हमें दिया था, मोबाइल जो दिया था गिफ्ट में, उन्होंने बताया था बनाने के लिए, लेकिन आज हम बना रहे हैं बहुत दिनों के बाद। तो फिलहाल अभी आउटलाइन बन रहा है एंड शक्ल तो हूबहू टोटल हो गया है, बस अब इनका क्या है ऊपर का जो होता है कमीज़ वो बनाना है एंड जो भी कोट होता है वो बनाएंगे, और उसके बाद हम फिर आराम से ले चलेंगे स्केच पर। तो गाइज हम आउटलाइन बना लेते हैं, तो आपको दूसरे वीडियो में पूरा दिखाएंगे किस तरह हम मतलब स्केच को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी जल्दी से इस स्केच को हमें तैयार करके और खगड़िया नामदान केंद्र पर जाना है एंड तो गाइज आपको मैं कुछ अलग दिखाऊंगा जो आपको भी देख के बहुत हंसी आएगा। मेरे से तो छोटा है लेकिन बहन वो बड़ी है, एक दो मेरी बहन है, वो एक छोटी है एक बड़ी है। तो मेरे बड़ी वाली जो बहन है कुछ बनाया है, जैसे मैं कुछ से कुछ सीखते रहता हूँ बनाते रहता हूँ, तो वो भी मिट्टी का आज क्या बनाया है अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो वो देखिए गणेश जी बनाए हैं, एक छोटा गणेश जी और एक बड़ा गणेश जी, और ये जो है हमें इसमें काम करने के लिए आएगा, इसमें बोलने में काम आएगा। ये माइक बनाया है जिसपे बोला जाता है। हेलो गाइस, मैं हूँ कृष्णानंदन कुमार, आप देख रहे हैं कृष्णा उर्फ भुवन आर्ट ब्लॉग। तो इसमें सही से आवाज आ रहा है,
अब तक भी जा रहा होगा, तो देख लीजिए कितना अच्छा से बनाई है मेहनत करके। और मैं इधर स्केच तैयार कर रहा हूँ और उधर मेरे घर में सब वो भी अपना सीख रहे हैं। अच्छा ये बात है, सीखना चाहिए, कला कोई खराब नहीं होता है। तो मैं जल्दी से संतरामपाल जी महाराज का स्केच बना देता हूँ, उसके बाद नामदान केंद्र पर जाऊँगा और वहाँ मैं दे के आऊँगा और वहाँ का भी ब्लॉग जरूर बनाऊँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड जय हिंद, बाय बाय।